आ जाओ यार अंदर, आज इनको यार और लेके चले और थोड़ा सा काम है वो कर ही दें। आ जाओ धूप में रख दे, तुम्हें ये खोलना पड़ेगा धूप में रख दे। नहीं भाई धूप में, धूप में सही नहीं है, देखा इधर धूप में तेजी नहीं है भाई, मेरा डाल दे। मैं सुबह से आया हूँ, मुझे पता है ना नहीं है इतनी तेजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों इनका जो पिंजरा है ना यार, आप लोग देख रहे हैं ये हमजा और मैंने पहले चेंज करा था। चेंज करने की वजह ये थी, वो वाला पिंजरा शायद छोटा था ना, वो भी तो वो इससे भी छोटा था, और हमें ये लग रहा है कि ये उससे भी ये ना उससे थोड़ा सा बड़ा है, पर छोटा है इनके लिए। तो ये देखें बहुत कंजस्टेड हो गया है। तो दोस्तों हमारा एक पिंजरा खाली हुआ जो आप लोगों ने देखा था, बड़े वाला जिसके अंदर पहले क्या रखा हुआ था हमने, अंदर डव, हाँ डव वाला पिंजरा था वो। तो दोस्तों डव वाला पिंजरा हम इनको दे रहे हैं, और आज इनकी ना पूरी शिफ्टिंग उस पिंजरे में कर रहे हैं और इस पिंजरे से इन्हें निकाल देंगे। तो फिंचेस का हमें ये भी चेक करना है कि इन्होंने कोई जो यार याद है अपन ने वो रखी थी घास घास वगैरह इनका नेस्टिंग मटेरियल, तो दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं कि कोई अंडे वगैरह दिए या नहीं। और इस बार जो हम लगाएंगे ना इनकी हांडियाँ और ये घर इस तरीके से लगाएंगे कम से कम देख तो सकें। दो मिनट स्टॉप करो, क्यों वो देख अंडा दिया हुआ निकाल, पहली फिर सर ने निकाल जल्दी यार, वो पड़ा हो रे उठा ले। स्टॉप क्या करो, बोलो मुझे रोको और अंडा उठाओ, ये अभी दिया है ना, जल्दी उठा जल्दी उठा, इससे पहले चोंच मारे। चलो अड़िया हो गया भाई, लाइए यार मुझे उस वक्त भी डर था। हाँ अभी अभी दिया है, ताजा ताजा। ये एक बात तो बताओ, देखो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये अंडा दे देती है। जब मैंने नोटिस करा दोस्तों, जब मैं वीडियो स्टार्ट करता है ना, उस दिन भी मैं आया पूरी साफ सफाई कर रहा, इसने सामने ही अंडा दिया मेरे, और अभी भी ये शायद देरी होगी तो हमारा ढका हुआ था तो देखा नहीं इतने गौर से। है दोस्तों यार इसके अंदर फिंच का हमारे को एक और भी काम है, वो जो है इसके क्या काटने अपन ने, नाखून। तो दोस्तों हमारी जो गोल्डन फिंच है ना ये रही माशाल्लाह से, ये इसके नाखून काटने हमने। तो अभी हम नेल कटर भी लाए, सारी चीज़ें ले आए, और इनका आज यार फुल एंड फाइनल करते हैं, और ये भी देखते हैं कि इनका अंडे हैं या नहीं। तो चलो यार देर हो रही है, पहले वो पिंजरा ले आऊँ मैं साफ करके। तो यार दोस्तों हमने जो दूसरा पिंजरा था उसको साफ सुथरा करके रखा है, ये देखें इससे कितना बड़ा है यार, हमने साइज में वाकई में बहुत बड़ा ही है, काफ़ी बिग केज है यार इसके हिसाब से। तो फिंचेस को अब इसमें शिफ्ट करते हैं हम, साफ सुथरा ही आपके भाई ने बहुत प्यारे तरीके से कर दिया है। और बाकी एक हमने दोस्तों ये निकाला है, ये देखें ये हमारे पास निकला था पहले का, तो हमदा बोला यार इसको रख देते हैं, बिल्कुल इनकी झोपड़ी नुमा टाइप का है उस जैसा, ये देखें। तो इसको भी हम इसके अंदर फिट कर देते हैं, और हांडिया वगैरह सब पहले तरतीब कर दें फिर इन्हें शिफ्ट करते हैं जल्दी से। और मुझे ये देखना है कि अंदर किसी ने अंडे दिए या नहीं, क्योंकि इस हांडी का तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो मुझे नहीं लग रहे शायद उसमें भी, लेकिन इनका नेस्टिंग मटेरियल कहाँ गया ये समझ नहीं आई। हाँ क्या चाहिए। तो यार दोस्तों कौआ फिर आ गया, ये देखें ये बैठा हुआ जो हमारे पास हर मरतबा आता है रोटी लेने, मेरे हिसाब से रोटी लेना आया तो उसको डाल के देख लेता हूँ, अगर ले जाए तो शायद आइए लेने, देखते हैं आता ही नहीं आता, अभी तो वहीं बैठा हुआ यार, अभी तक तो ये नीचे नहीं आया, देखो वहीं बैठा है, मुझे लग रहा है ये ना उन सामने वालों को बता रहा है मेहमान आने वाले उठ जाए, तो शायद दोस्तों तो सुना है बहुत सी जहाँ बैठता और चीखना चिल्लाना शुरू करे तो वहाँ मेहमान आने वाले होते हैं। तो खैर भाई हमारा फर्ज था रोटी रखना, अभी आके थोड़ी देर में मामू खुद ले जाएंगे अपनी रोटी। बाकी हमने दोस्तों ये बांध दिया है और हल्के हल्के करके इसको पूरा फिक्स करते हैं, फिर आप लोगों में दिखाता हूँ। तो यार दोस्तों अब हम ये वाला इसका बॉक्स निकालने और थोड़ा सा हमारे को डर हो रहा है कोई साथ ना आ जाएगी, अबे यार आ जाएगी याली आ जाएगी, आ जाएगी छोड़ दो, आ जाएगा नहीं आएगा यार वो ना उड़ जाए, देखना वो बैठी हुई है उस पर, अबे वो बैठी हुई है गोल्डन फिंच, हम ना निकल जाएगी ऐसे ही। हाँ निकाल 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 निकल ला निकाल ले, खींच ले जल्दी से खींच लो, अरे बस 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 हमें डर हो रहा था यार कि गलती से भी दोस्तों ज़रा सी हमारी गलती ना एक को भी निकाल सकती है, और बाकियों का तो मसला नहीं है लेकिन गोल्डन फिंच जो है ना उसका काफ़ी मसला है, क्योंकि यार बड़ी मुश्किलों से मिली थी हमें। तो यार मैं नेस्टिंग मटेरियल ढूंढ रहा हूँ, तब क्या हुआ क्या हुआ नेस्टिंग मटेरियल यार इन्होंने चिपकाया हुआ है। तो यार दोस्तों पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, ये देखें रोशनी में ये रहा ये सारा नेस्टिंग मटेरियल इन्होंने, ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से चिपकाया हुआ है, और मतलब वाकई में दोस्तों कुदरत है खुदा की, और इन्होंने किस तरीके से इसको रखा हुआ, ये लो भाई नेस्टिंग मटेरियल, वहाँ मैंने अभी तक तो ढूंढ रहा था तुमने बुला लिया, नेस्टिंग मटेरियल ख़त्म हो चुका है भाई इनका, और अभी ऐसे ही डाल दो नेस्टिंग मटेरियल में, बाद में लाऊंगा फिर कर देंगे। तो यार इनका घर दोस्तों रेडी हो गया है, अब हम निकाल लें अपनी फिंचेस को और जल्दी से उनको डालते हैं इसके अंदर, शिफ्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो दोस्तों हम गोल्डन फिंच को निकाल के ना यार उसके नाखून बहुत बड़े हैं तो वो काट दें,
तो हमरा पकड़ ले इसको बस जल्दी से यार, बड़ी आसानी से आ गई। हो कस के पकड़ना भाई, दिखाओ जरा कैसे नाखून इसके, इधर है इधर तो दिखाएगा। अरे इतने बड़े बड़े, ये देखें दोस्तों दिख रहे होंगे आपको, इतना काटो काटो काट दो नीचे का, काट बस सही है बेहतरीन। दोस्तों यार इसका नाखून एक मुझे मिल जाए कहाँ है ये देखें, इतने बड़े बड़े नाखून साइज के थे इसके, और हमने तकरीबन सारे काट दिए हैं। बाकी हम वैसलीन लगा दें, उसके बाद हम इसको कर देते हैं वहाँ शिफ्ट, और इनको भी फिर सारों को इनको मैं निकालूंगा एक एक करके। हाँ आराम से नाजुक होती है, देख लो। हाँ बहुत नाजुक होती है, छोटी पहले छोटी थी वो भी थी ना। मेरे को ना पकड़ 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 ये पकड़ ये पकड़ जल्दी 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 पकड़ ले इसके टांगों पे शक जा रहा है मुझे। नहीं नहीं इसकी टांग टेढ़ी है, जब ही रुकी है। अरे है सही है भाई, सही है पकड़ तो मैं भी ले और घबरवा दिया मुझे। सही है, मैं इसकी टांग देखने के चक्कर में था, चेक करो टेढ़ी है थोड़ी सी। बेटा सेट है, ओए ओए भाई इतनी सी रह गई। अबे मेरे हाथ तो छूटी कैसे ही है यार, ये पहले वाला सीन नहीं हुआ है बिल्कुल वैसे ही, जबकि मैं पकड़ा हुआ इसको कस के था, लेकिन यार बड़ी तेज होती है यार कसम से। भाई नहीं हुआ, तू नहीं निकालेगा बेटा। नहीं नहीं क्या हो गया, अब भाई निकाल मैं सही लेता हूँ, मैं सिर्फ टांग दिखा रहा था ना, मैं तो डाल देता दो मिनट में अंदर। कौन सी थी वैसे, ये वाली थी ना? हाँ यही थी यही थी। अरे भाई बड़ी खतरनाक है दोस्तों, तो समझ ही नहीं आया कैसे हाथ से निकला। अच्छा मैं पकड़ने जा रहा हूँ, ये पकड़ने भी नहीं दे रहे, मोबाइल दे दो हाथ में, मोबाइल पकड़ो तुम पकड़ो, तो कुछ भी नहीं होता यार, हाथ तो आ गई ना। तो खैर यार बच गई हमारी फिंच हाथ, हाथ से निकलते निकलते दोस्तों बहुत ज़्यादा यार, भाई तुमने तो जान निकाल दी कसम से। चलो खैर हाथ हो गए ना, क्या है अंडे का छिलका, अंडा है छिलका छिलका, तो अंडा कहाँ है, खराब हो गया होगा तभी फेंका यार। एक मिनट इनकी हांडियों में तो देखें, चेक तो करें ज़रा। नहीं मैं कैमरा डाल के चेक कर रहा हूँ हांडियाँ, तो अब चेक करूँगा, निकाल लेंगे रुक जाओ पहले आराम से। तो यार दोस्तों इसके अंदर तो ना कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर तो हमारे को सामने ही नज़र आ रहा, इसमें भी कुछ नहीं है, पता नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है अंदर इसके अंदर। तो यार दोस्तों फाइनली हमारा जो ये है रेडी हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से फिंचेस का घर दूसरा, और वो जो है छोटे वाला उसको रहने देते हैं, अब उसके अंदर हम कुछ और लाके डाल देंगे। फिलहाल इनका घर सेट हो गया यार, बड़ा पिंजरा हो गया ना, अब ये सुकून से इसके अंदर बच्चे अच्छे देंगे। अब मैंने इसमें रेस्टिंग मटेरियल भी डाल दूंगा, और फिलहाल इसको हम लेके अब दोस्तों नीचे चलते हैं, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है, तो इनको करते हैं इनकी जगह पे वापसी शिफ्ट। चलो यार इनको अब करते हैं हम शिफ्ट, आ जाओ, तुमने गेट भी नहीं खोला, खोलो यार गेट। ऐसे हुआ क्या था ये हमदा भागा दोस्तों, हमदा ने बोला जल्दी से भाग कैमरा पकड़, फिर उड़ा दी तुमने फिर तो एक मरतबा, और यार हर मरतबा मेरे से उठती है यार, पता नहीं क्या मसला है। चलो यार इसको यहाँ लटकाता हूँ, ये खूबसूरत लग रहा है, नहीं बड़ा का बड़ा सुकून से रहेंगी, आराम से इनकी प्याले लगे हुए हैं दोस्तों, आराम से सब कुछ हुआ हुआ है। बाकी दोस्तों कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि हमने जो ये शिफ्टिंग करी है सेट है ना, ये वाला पिंजरा इनके हिसाब से सेट है हाँ या ना। आप शिफ्ट नहीं करेंगे भाई, आप चेंज नहीं करेंगे यार कोई पिंजरा, बस ये बहुत है। और जो उड़ी है मेरे से फिंच, वो कैसा लगा आप लोगों को, गलती से उड़ी है, मेरे खुद के समझ नहीं आया दोस्तों कि ये गई कैसे और बची है सिर्फ, पता है किस वजह से, ये पिंजरों की साइड निकल गई, अगर इधर से निकलती ना ये उड़ जाती क्यों। बाकी दोस्तों इनकी अपडेट भी दे दी मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने देख लिया कि हमारी फिंचेस ने जो है एक अंडा दिया हुआ था, और वो टूटा हुआ निकला है, किसका अंडा है ये मुझे भी नहीं पता ना, हमजा को किसके उसमें से निकला कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल गर्मे शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।